प्लस टू डी क्लास बेटे, हमने लेसन शुरू किया हुआ है पार्टी सिस्टम। आज हम उसका कर रहे हैं। पहला है क्वेश्चन, जो हम दो दो नंबर के क्वेश्चन कर रहे हैं, उसमें राजनीतिक दल का कोई एक कार्य बताएं। राजनीतिक दल का इम्पोर्टेंट काम क्या है? वो जनता को राजनीतिक शिक्षा देने का महत्वपूर्ण कार्य करती है। सेकंड देखें, चीन में कौन सी एक दलीय प्रणाली है, कौन सी दलीय प्रणाली है? तो बच्चे हमेशा याद रखना, चीन और क्यूबा दो ऐसे देश है जहाँ पर एक दलीय प्रणाली है, सिंगल पार्टी सिस्टम है। और आपको पता है वहाँ पे कौन सी दल प्रणाली है? कम्युनिस्ट पार्टी है, साम्यवादी दल है। तीसरा है, दो दलीय प्रणाली का कोई एक गुण बताएं। जहाँ पे द्विदलीय होती है, द्विदलीय प्रणाली कहाँ कहाँ है बेटे? इंग्लैंड और अमेरिका में है। इसका सबसे बड़ा गुण ये होता है कि इसमें सरकार आसानी से बनाई जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विदलीय प्रणाली वाले दो देशों के नाम बताएं। तो द्विदलीय प्रणाली के दो देश हैं, इंग्लैंड और अमेरिका है। नेक्स्ट है, बहुदलीय पद्धति अपनाने वाले दो देशों के नाम बताएं। बहुदलीय प्रणाली होती है जहाँ पे मल्टी पार्टी सिस्टम होते हैं। इंडिया में भी मल्टी पार्टी सिस्टम है, फ्रांस में भी, रूस में भी, ठीक है। और नेक्स्ट है भी, होती क्या है बहुदलीय प्रणाली? बहुदलीय प्रणाली वो प्रणाली होती है जहाँ तीन या तीन से अधिक राजनीतिक दलों का अस्तित्व हो, उसको हम बहुदलीय प्रणाली कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दलीय प्रणाली वाले दो देशों के नाम बताएं। ये मैंने भी बताया था ऊपर, चीन और क्यूबा दो ऐसे देश हैं जहाँ पर एक दलीय प्रणाली है। विरोधी दल क्या होता है? विरोधी दल होता है बेटे ओपोजिशन पार्टी। ओपोजिशन पार्टी क्या होती है बच्चे? इसमें जो सत्ता पक्ष का विरोध करने वाले जो दल होते हैं उन्हें विरोधी दल कहा जाता है। सत्तारूढ़ दल क्या होता है? जो सत्ताधारी दल होता है और जिसने चुनावों में जीतने के बाद सरकार बनानी हो। नेक्स्ट है, राजनीतिक दल के दो जरूरी तत्व लिखें। हर राजनीतिक पार्टी के लिए, जो पॉलिटिकल पार्टी के लिए, एक तो संगठन होना जरूरी होता है, सेकंड शासन पर नियंत्रण करने की इच्छा, मतलब कंट्रोल करने की उसकी विल होनी चाहिए। नेक्स्ट है, द्विदलीय प्रणाली का कोई एक दोष लिखें। द्विदलीय प्रणाली में जो दोष है इसका ये है कि जो देश है वो दो गुटों में बंट जाता है, मतलब एकता नहीं रहती। जो एक पार्टी के सपोर्टर होते हैं वो एक तरफ हो जाते हैं, दूसरी पार्टी के सपोर्टर दूसरी तरफ, और एक दूसरे से वो ईर्ष्या करते हैं। नेक्स्ट है, राजनीतिक दलों का एक गुण बताएं। तो ये जनमत के निर्माण में मदद करते हैं। ये बच्चे सारे दो दो नंबर के क्वेश्चन हैं, आपने करने हैं।